हेलो फ्रेंड्स, फीवर बॉडी का एक ऐसा नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कहीं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है बॉडी का उन तमाम पैथोजेंस के प्रति जो कि बॉडी में इलनेस हमारी क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड, जो फीवर होता है वो बेसिकली क्लिनिकल बैकग्राउंड पे अगर देखा जाए तो वो तीन टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा होता है कॉन्टिन्यूस फीवर। इसमें क्या होता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हमेशा बेस लाइन टेम्परेचर जो होता है बॉडी का, यानी कि 96 से लेकर 98 जो रेंज होती है नॉर्मल टेम्परेचर की बॉडी की, उससे हमेशा ऊपर रहेगा और बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है हमारा क्या है, टाइफॉइड, और इसको आम भाषा में बोलते हैं फीवर ना उतरना। दूसरा टाइप जो हमारा होता है वो इंटरमिटेंट फीवर का होता है। इसमें क्या होता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो अप और डाउन करता है, यानी कि बढ़ेगा भी और कुछ समय बाद जो है वो बॉडी की बेस लाइन टेम्परेचर के पास आ जाएगा, यानी कि नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। इसको कॉमन भाषा में बोलते हैं फीवर उतरना चढ़ना। इसका क्लासिकल एग्जाम्पल जो है हमारे डेंगू फीवर हो गए, हमारे मलेरिया के फीवर हो गए। ओके, और नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप का जो हमारा होता है वो रेमिटेंट फीवर होता है। इसमें क्या होता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा अप और डाउन तो होगा, मतलब चढ़ेगा उतरेगा, मगर वो कभी भी बॉडी के बेस लाइन टेम्परेचर के पास नहीं आएगा, यानी कि फीवर टेम्परेचर जो है घटेगा बढ़ेगा मगर उतरेगा कभी नहीं। ओके फ्रेंड्स, इसका जो क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक्स, बाय।